नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहां कोई भी लास्ट डेट मेंशन नहीं है, बस एक जॉब अपडेट की लास्ट डेट है, दूसरे की लास्ट डेट मेंशन नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी ये वीडियो देखो उतना जल्दी ही इसके लिए अप्लाई भी कर देना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इन दोनों जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप सभी को इन डिटेल बताता हूं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए और जॉब अपडेट लाऊं और इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाऊं डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो दोस्तों जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पोस्ट की गई है दोस्तों गीग्स फॉर गीग्स कंपनी की तरफ से, और दोस्तों यहां आपको प्रोफाइल मिलने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और दोस्तों मैं समझता हूं अगर आपको गीग्स फॉर गीग्स जैसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, वहां भाई सीखने को तो बहुत ज्यादा मिलेगा, एक्सपोजर काफी अच्छा है, साथ ही साथ दोस्तों लर्निंग मींस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी काफी है। और अगर आप गीग्स फॉर गीग्स में भी एक दो साल काम कर लोगे तो उसके बाद तो दोस्तों आप काफी आसानी से दूसरी कंपनी में बड़ी आसानी से स्विचअप कर सकते हो। बात करते हैं होने क्या वाला है, कैसे सिलेक्शन है, क्या आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ हायरिंग चैलेंज डिजाइन टू टेस्ट योर DSA नॉलेज फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गीग्स फॉर गीग्स। इट कंसिस्ट ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं 3 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 3 दिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 डेज रह गए। अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली तो 7th of August से आपका चैलेंज होने वाला है कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों जो 2022 है उसके बाद पास आउट हो रहा है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2021 2019 18 इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। अब बात करते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो आप सभी को फॉलो करने हैं। लैंग्वेजेस सपोर्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट आर C++, जावा, पाइथन। तो दोस्तों आपको ये तीनों लैंग्वेजेस में से अगर कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। Submission will be tested based on your critical test data. There is a 5% penalty for each wrong submission. For example, if a problem is of 100 marks and a participant makes a wrong submission, his marks are reduced to 95. After the next wrong submission of the same problem, his marks are further reduced to 90.25 and so on. तो दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप जब भी wrong submission करोगे आपके सीधा 5 marks reduce हो जाएंगे। Each question has hints that you may use when you are stuck on a problem. Marks are deducted on hints uses. तो दोस्तों अगर आप hints भी use करते हो तो उसके भी marks deduct हो जाएंगे। Please refrain from discussing strategy during the contest. During the contest, all submissions are run. अब प्लैगरिज्म भी दोस्तों आपका देखा जाएगा, अगर आपका प्लैगरिज्म पकड़ा जाता है तो दोस्तों 0 marks आप सभी के हो जाएंगे। मेक श्योर द अदर पार्टिसिपेंट डोंट हैव एक्सेस टू योर कोड। इन केस यू आर यूजिंग एनी अदर ऑनलाइन कोडिंग एनवायरमेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइवेसी ऑफ योर कोड। तो दोस्तों आपको अपने कोड की अपने आप रखवाली करनी है और कोई नहीं करने वाला। अगर आप अपनी रखवाली नहीं करोगे तो दोस्तों सीधा आप कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाओगे। बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वी आर लुकिंग फॉर अ कोडिंग फैनेटिक हु इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग अपॉन एंड लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, अ पर्सन हु विल क्लोजली वर्क विद आवर सॉफ्टवेयर टीम टू अकम्प्लिश द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ द गीग्स फॉर गीग्स वेबसाइट। तो दोस्तों मेनली इनको चाहिए भाई कोडर। अगर आप अच्छे खासे कोडर हो और अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस। सैलरी नेगोशिएबल होगी, बट दोस्तों आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे दूं, क्या रफली आइडिया दे दूं जो मुझे ग्लास डोर पे मिला है वो दोस्तों यहां आपको 6K आसपास का पैकेज मिलता है। बट अगर आप कोडिंग में यार काफी ज्यादा अच्छे हो तो नेगोशिएबल है, तो आप अपनी सैलरी ज्यादा भी करवा सकते हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनैलिटीज टू द वेरियस डोमेन्स ऑफ गीग्स फॉर गीग्स। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग REST APIs फॉर बैकएंड सर्विसेज लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एक्सेट्रा। बात करते हैं डिजायर्ड स्किल्स की, क्या क्या डिजायर्ड स्किल्स, अगर ये भी स्किल्स होंगी तो मजा आएगा। Experience in backend development, Django, good knowledge and working experience in React.js and JavaScript, excellent knowledge of data structure, algorithm and programming concept. Third point काफी ज्यादा important है। बाकी तो दोस्तों यही आपको HTML, CSS, JavaScript, MySQL, AWS की इन सभी की अगर बेसिक नॉलेज है तो आपको एडवांटेज मिलता ही मिलता है। बाकी दोस्तों डिटेल्स है, 3 questions रहेंगे और 350 marks का आपका टेस्ट होगा। अब रजिस्टर कैसे करना है, एक तो दोस्तों रजिस्टर टू कॉन्टेस्ट से यहां से रजिस्टर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
करूंगा। यहाँ पर अपनी ईमेल, फोन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, यूनिवर्सिटी नेम, ग्रेजुएशन ईयर, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अपडेटेड रिज्यूमे। अपडेट रिज्यू अपना जैसी अपडेटेड रिज्यूमे आप अपलोड करते हो तो मेक श्योर उसमें आपका लेटेस्ट, आपकी लेटेस्ट इंटर्नशिप हो, लेटेस्ट प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो आप सभी ने कर रखा हो, उन सभी चीजों को दोस्तों आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, जल्दी जाइए इसमें आपको एनरोल कर लीजिए क्योंकि 7th of August को आपका टेस्ट होने वाला है और यहाँ टाइम भी दे रखा है कि कितने टाइम बाद कंटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मेक श्योर आप रजिस्टर कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। और मैं दोस्तों आपको सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी बताता हूं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। तो दोस्तों सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है इंडिया टुडे ग्रुप कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये लोग हायरिंग करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा लोकेशन के लिए, तो काफी अच्छा आपको लोकेशन मिलने वाला है क्योंकि नोएडा में उसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमें लोकेशन एनसीआर रीजन में चाहिए, एनसीआर रीजन में चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे को जॉब देखने को मिलती है यार वो बेंगलुरु, आपको बेंगलोर में मिलती है, साथ ही साथ साउथ में मिलती है। तो अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नोएडा लोकेशन मिल रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, शुड बी अ क्विक एंड एडेप्टिव लर्नर, हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, रिएक्ट नेटिव, हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंट बिहेवियर। तो दोस्तों एक तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ ये स्किल्स में से अगर यार 3-4 स्किल्स भी अगर आपको आइडिया है, जावास्क्रिप्ट हुई, एंड्रॉइड हुई, रिएक्ट जेएस हुई, साथ ही साथ नोड जेएस हुई, टेस्टिंग हुई, मशीन लर्निंग हुई, तो काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। Have deep interest, great inclination and a believer in technology, solution-oriented thinking. Have the dynamics, enthusiasm and attitude of working in a startup-like environment, a fast-paced environment which innovates and creativity. एक बार पहले बता दूं दोस्तों, दोनों ही कंपनी काफी अच्छी है, एनवायरमेंट काफी अच्छा आप सभी को देखने को मिलने वाला है। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों बीई बीटेक स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, सीएसआईटी और ट्रिपल ई के 2021 बैच के। दोस्तों आपकी 65% होनी चाहिए 10th, 12th एंड बीटेक में, गुड टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड स्किल्स, हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों इनमें से कोई भी यार एक दो की भी अच्छी नॉलेज है ना तो अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सर मुझे कोई भी नहीं आती। यार मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक तो मालूम ही होगा कि मशीन लर्निंग आप कैसे करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स आप सभी को मालूम होगी, या फिर जावास्क्रिप्ट की तो मैं समझता हूँ काफी स्टूडेंट्स को नॉलेज होगी। अब मैं यार आपको बता दूं कैसे अप्लाई करना है, सिंपली आई एम इंटरेस्टेड पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आप ये वाले पेज पर आ जाओगे, यहाँ आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर आपको हर एक चीज डालनी है, जैसे कि आप अपने लिंक्स भी डाल सकते हो, साथ ही साथ जैसे कि मैं लिंक्स आप सभी को दिखा देता हूं, हाँ, जैसे हाईएस्ट एजुकेशन, सोशल नेटवर्क के लिंक्डइन का आप लिंक डाल सकते हो, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं सैलरी, तो दोस्तों बेस पैकेज आपका 60,000 के आसपास है, जो कि मैं समझता हूं दोस्तों 7-8 आपको एलपीए मिलेगा और काफी अच्छा पैकेज है, बेस पैकेज आपको अच्छा मिल रहा है। तो यार अगर ये दोनों जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगी हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मेरे आप सभी के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मैं लाया हूँ, फ्रंट एंड डोमेन में आप सभी के लिए जॉब्स हैं। दोस्तों मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ री लेवल प्लेटफॉर्म के बारे में, इनकी दोस्तों हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, इनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और काफी बच्चे प्लेस होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 जॉब अपॉर्चुनिटी बताऊंगा और तीनों की तीनों दोस्तों आपको फ्रंट एंड डोमेन में मिलने वाली है। पहली जॉब जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यहाँ आपको 12-19 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करता हूँ तो दोस्तों रिएक्ट नेटिव, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ऐप लाइव इन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर टू शोकेस द पासवर्क। तो दोस्तों अगर आपको ऐप बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको ऐप की अच्छी खासी नॉलेज है, या फिर अगर आपने प्रीवियसली कोई भी ऐप बना रखा है, तो यार इसमें जरूर अप्लाई करिए क्योंकि 12-19 तक का आपको पैकेज मिल सकता है। साथ ही साथ अब अप्लाई कैसे करना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो री लेवल की अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जरूर देखिए, आप सभी को आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप सभी को अप्लाई करना है। बात करता हूं दोस्तों सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी की, जो कि पोस्ट की गई है स्मॉल केस कंपनी की तरफ से। यहां दोस्तों आपको 8-9 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा है। लोकेशन की बात करता हूं दोस्तों बैंगलुरु। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करते हैं तो दोस्तों एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट की आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। पैकेज काफी अच्छा है और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको पूरा रिफंड भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमल आपको एक फीस देनी है और वो जैसी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जितना भी आप फी पे करते हो पूरा का पूरा आप सभी को रिफंड भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों एक और कंपनी जहां आपको 10 to 30 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा है। लोकेशन दोस्तों एनसीआर रीजन रहने वाली है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करता हूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पाइथन रूबी ऑन रेल्स एक्सपोजर वर्किंग विद एनी रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेस गुड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज क्यूज पबसब एंड इन मेमोरी डेटा स्टोर्स। तो दोस्तों अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, पाइथन अच्छी है, रूबी ऑन रेल्स, आप सभी को इसकी नॉलेज और इसके लिए अप्लाई करिए क्योंकि पैकेज आपको 30 LPA तक का मिल सकता है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, जब भी आप इसकी फी पे करते हो तो आप हमारा कूपन कोड TET10 यूज कर सकते हो जिससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी जॉब्स हैं फ्रंट एंड डोमेन में, मैंने आपको सिर्फ 3 जॉब्स के बारे में बताया, तो एक बार प्लेटफॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, डिटेल्ड वीडियो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी को जरूर फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।